नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आप नेशनल खबर देख रहे हैं। फिलहाल जैसे आप देख सकते हैं कि नेशनल खबर की पूरी टीम साइंस संजीवनी आयुर्वेदा क्लिनिक में मौजूद है, गुड़गांव में जो ये मौजूद है। और आज जिस खास मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कि आजकल जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लोगों की शरीर में कंपन देखने के लिए मिलता है। लोग अगर कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने बॉडी पर कंट्रोल ना होना, ये कैसे होता है, आखिर ये क्या चीज़ है? इस चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं वो जाने माने डॉक्टर हैं, पुरु धवन जी। सर, बहुत स्वागत है आप। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं जानकारी लेना चाहूँगी, आखिर ये कौन सी बीमारी है जो इंसान का शरीर काम करना बंद करता है? अगर आपके हाथ हिलते हैं, गर्दन हिलती रहती है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं पार्किंसन। आयुर्वेद में से कम्फात कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन के सेल्स के डैमेज होने की वजह से होता है। हमारे जब पैदा होते हैं तो एक नंबर ऑफ सेल्स हमारे ब्रेन में होते हैं, मान लो कि 1 करोड़ सेल है, मगर अब जितनी मर्जी बड़े हो जाए वो 1 करोड़ 1 नहीं हो पाता, एक नया सेल नहीं बन पाता। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी बूढ़ी होती है, तो हमारे ब्रेन के सेल्स भी बूढ़े हो रहे होते हैं। उनमें से कुछ सेल्स डैमेज होना शुरू कर जाते हैं, मरना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन के अंदर एक केमिकल नहीं बन पाता जिसे हम कहते हैं डोपामाइन, कम बनता है। अब जैसे जैसे ब्रेन का कंट्रोल हमारी मांसपेशियों से कम होना शुरू होता है, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट के हाथ में वाइब्रेशन होनी शुरू होगी, गर्दन हिलती रहती है, तो ये डिस्टोनिया होता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेन का कंट्रोल उसकी मसल से कम होता जा रहा है। अब ये होता ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आप जब 50-60 साल आपका ब्रेन काम कर लिया, बूढ़ा हो गया, तब उसमें वो डैमेज आने शुरू होते हैं कि हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि यंग एज में देखने को नहीं मिलता। जिन लोगों के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आप तुरंत से सोते नहीं हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर हमें क्या देखते हैं कि बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स अर्ली आने शुरू हो जाते हैं, अंदर बुढ़ापे के जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें 40s, 30s, 40s में भी कुछ एसिस पर देखने को मिल जाता है। और इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे आपने बताया कि 40s, 30s के एज में देखने के लिए? इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो है कांपना, हाथ का कांपना, गर्दन का हिलते रहना, यानी जो मूवमेंट आप नहीं कर रहे फिर भी वो हो रही है और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी सिम्टम ऐसा उसको हम पार्किंसन में काउंट करते हैं। अगर आपका हाथ कांप रहा है, गर्दन नीटी चली जाती है, या फिर फेस पे फटकन होती रहती है, कुछ भी ऐसा सिम्टम जिस पे आप, ऐसी मूवमेंट जिस पे आपका कंट्रोल ना हो। तो इसे कंट्रोल फिर करा कैसे जाए, अगर हो रही है किसी इंसान में, अगर ये देखने के लिए मिल भी रहा है तो उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका होगा? अब ब्रेन की जो सेल्स हैं, हमें जैसे बात की कि वो एक बार बन जाते हैं बचपन में जो मिले होते हैं पैदा होते समय, वो उतने रहते हैं, तो वो रीजनरेट नहीं कर सकते, यानी एक बार जो सेल मर गया वो मर गया। बट ब्रेन के अंदर अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की क्षमता होती है, हमारे मांसपेशियों में भी क्षमता होती है, हमारे ब्रेन में भी होती है। इनका जितना यूज़ हम ज़्यादा करते हैं ये उतने ही स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। जैसे आप बोलते हो अच्छा हो, आप लोगों से मिलते हो, तो आपकी कमांड आपकी वॉइस के ऊपर है, आप बीच में अटकते नहीं, मगर ये हर किसी के लिए आसान नहीं है ना। तो जब वो काम हम बार बार करते हैं तो हमारा ब्रेन उस काम को लेकर डेवलप हो जाता है, पर्टिकुलर काम को लेकर। तो हमने पार्किंसन पेशेंट में यही करना होता है, पार्किंसन पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है उसे स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़े भी, बट नंबर ऑफ साइनेप्सिस बिटवीन दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होते हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बेटर कंट्रोल हो जाता है, ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ज़्यादा कमांड अपने मसल्स पे ले पाता है, हाथ पे ले पाता है, और जो वाइब्रेशंस हो रही होती है हाथ पैर में गर्दन में वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, आप मतलब जैसे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि 30s 40s के एज में होता है, तो क्या होता है ना कि बॉडी कुछ केसेस में होता है, यंग केसेस में इसको हम YOPD कहते हैं, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। नॉर्मली 50s के बाद होता है, जहाँ पर एज थोड़ी सी एजड हो जाता है पर्सन, तब ज़्यादा देखने को बोलता है। ओके, तो ज़्यादा एज में जैसे इंसान जाने लगता है, तो कहते हैं कि बुढ़ापा जो है वो बच्चे जैसी चीज़ होती है, तो अडाप्ट करने में किसी चीज़ को प्रॉब्लम तो नहीं आती? जैसे एक ट्रीटमेंट है तो क्या उसे पेशेंट अगर अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है तो उस वक्त प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? ट्रीटमेंट को आपको अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली आप अपनी बॉडी के साथ कर के आ रहे हो, आप अपने ब्रेन को दे के आ रहे हो, तो आपको खाना पीना सबसे पहले बदलना पड़ता है। अच्छा, हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम एजड होते हैं तो बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स आ जाती हैं, बीपी की दिक्कत हो गई, शुगर की दिक्कत हो गई, हम खाने पीने को बहुत ज़्यादा बदल देते हैं, हमने घिया थोड़ी टिंडा खाना है, वो भी उबला हुआ खाना है, हल्दी नमक के साथ करना है, हमें और कुछ नहीं खाना, हमसे दलिया खाएंगे, हमसे खिचड़ी खाएंगे, दांत की दिक्कत हो गई। तो जब हम डाइट को इस तरह से बदल देते हैं ना, तो डाइट की वजह से भी ये बीमारी जल्दी लगनी शुरू हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि पेशेंट की बॉडी में खाना बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो जैसे बॉडी बिल्डर्स का खाना होता है,
न्यूट्रिशन हाई होता है, वैसे ही हमें अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को हाई करना पड़ता है। आप पेशेंट के साथ अपनी कॉम्प्लिकेशन है, किसी के दांत हैं, किसी के दांत नहीं है, किसी को च्यू करने में दिक्कत होती है, तो सूप फॉर्म जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप मिक्स वेजिटेबल का सूप लो, मशरूम का सूप लो, चिकन सूप लो, जो सॉफ्ट फूड है, एग्स हैं, उनको अपनी डाइट में ऐड करो, दालों को बहुत ज़्यादा ऐड करो, दाल का सूप का पानी लो। उससे होता ही है कि बॉडी को सारा न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है, जो माइक्रो न्यूट्रिशन होता है वो भी बॉडी में जाना शुरू कर देता है, तो पेन कम से कम पोर खराब होना बंद कर देता है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि इज एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन द डाइट? क्या सारी चीज़ें डाइट पर डिपेंड करती हैं? डाइट से आप देखो, डाइट को मेडिसिन की तरह कंसिडर करो, क्योंकि कुछ पार्ट मेडिसिन का होता है, एक छोटा रोल होता है मेडिसिन का, बट अगर आपको ठीक रहना है, आगे ठीक रहना चलना है, तो आपको अपने डाइट को ही मेडिसिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद कुछ अलग चीज़ नहीं है। आयुर्वेद वही खाना है जो हम जैसे अजवाइन है, यू नो, धनिया है, हम इसे मसालों में यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए, बट कहीं ना कहीं वो ही मेडिसिन में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा कि आपने अपने खाने को ही मेडिसिन में कन्वर्ट कर देना है, जिससे आपको हमारे पास ना आना पड़े। चलिए, आपने बता दिया कि आपके पास ना आना पड़ेगा, क्या तरीका है? वो आप अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देते हो कि आप क्या खा रहे हो, बॉडी में क्या डाल रहे हो, उसकी मेरी बॉडी में क्या इम्पैक्ट होगा, वो ज़रूरी है। अक्सर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, परहेज करते हैं, और उसके बाद कहते हैं मैंने ये परहेज किया, मैंने वो परहेज किया, बट परहेज जब भी हम करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में हम करते हैं तो हमें उसके नुकसान देखने को मिल जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पुरु धवन जी इस फास्ट प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दें। आशा है कि आपको पार्किंसन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो समझ आ गई होगी कि आपको क्या क्या चीज़ों से क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस किस चीज़ से बचना है। तब तक के लिए नेचुरल खबर के साथ बने रहिए इस तरीके के और इंटरव्यूज़ के लिए।